चलो बहुत मजेदार बात है। और किसी कोई क्वेश्चन पूछना हो, कोई हेलमेट, हेलमेट क्यों जरूरी है, ओरिजिनल हेलमेट क्यों चाहिए लोगों को, कैसे पता करेंगे ये ओरिजिनल? ओरिजिनल हेलमेट लेते ही हाथ में पता चल जाएगा कि ये स्टैंडर्ड का है। फिर भी उसके पीछे एक QR कोड होता है अंदर की साइड, उसको आप स्कैन करोगे तो BIS का ऐप होता है। ISI का ही नाम बदल के 1986 में क्या कर दिया था, BIS। तो उसको आप जब करोगे तो सारी डिटेल आ जाएगी उसकी। तो हेलमेट की स्ट्रिप जरूर बंद होनी चाहिए, फुल कवर्ड लेना चाहिए, फुल कवर्ड नहीं लेना चाहिए। कोई ऐसा लेते नाम मात्र का हेलमेट, और भाभी जी का तो ऐसे लेते हैं जैसे मजदूरों को नहीं होता फील है, खुद का अच्छा लगेगा, खुद का अच्छा लगेगा तो फिर मैं उनको पकड़ लूंगा ना, मैं ये अच्छा जीवन साथी नहीं है भाभी जी, फिर वो उसको आज बताती हूँ इसको मैं। मैं आपको मैं कई फायदे गिना देता हूँ 15-20 उसको, तो भाभी जी की ये तो मेरे को गहरी मिला रही 75 रुपया का लेकर आता वो एक आता आगे से निकला हुआ मर जा तू। नहीं तो बढ़िया हेलमेट होगा तो कितना अच्छा हेलमेट, तो अगर चौथी मंजिल से फेंक दिया तो कुछ नहीं होगा उसके। और हेलमेट अगर कई तो इतने रेसिस्टेंट होती है कि उसका पहिया बड़ा वाला भी उस पर चल जाए तो उसको तोड़ नहीं सकता उसको। तो हेलमेट जरूरी अच्छा होना चाहिए। सीट बेल्ट क्यों लगाते हैं, सीट बेल्ट कोई बता सकता है क्यों लगाते हैं? क्या बात है, आप बताएं सर। क्या बात, क्या बात, बहुत अच्छी। और भी बात कोई बताना, क्या बात है मैम ने बहुत अच्छी बात बताई कि एयरबैग जब ही खुलेगा जब आपकी पिनअप होगी वो, है ना। वैसे लगानी ऐसी चाहिए, मैं बताता हूँ सही तरीका, मेरी मैडम की तरह लगानी चाहिए। कई बार जब मेरे साथ बैठी रहेगी तो कहेगी पुलिस होगी पुलिस, मैं सोचता हूँ मेरे को तो पुलिस ही नहीं समझी। मैं देखो होमगार्ड का जवान हमारा खड़ा था, वो कहाँ होगी वो खड़ी, तुम क्या करें सीट बेल्ट लगाओ। मैं देवी मैंने तो लगा रखा, आपको भी निवेदन किया था। बोले तेरी बात मानूंगी क्या मैं। फिर उसको लगाने का जो तरीका है ना गजब है। मेरे से तो मांगती भी नहीं बेल्ट, अपने बच्चों को रौनक हाँ मम्मी सीट बेल्ट दे बेटा, और वो पता नहीं उसे पकड़ाएगा तो जितनी भी आएगी ना फिर आराम से लेके आऊ। मैं कि इसको थोड़ा सा यूं कर लोगे तो ठीक रहेगा, लेकिन ये नहीं करते। तब क्या होता है, अब देखो जैसे ही आपका झटका लगा, सर ने बहुत अच्छी बात बताई, जैसे ही झटका लगेगा आपका सिर लगेगा शीशे में, तो शीशे में दरार आ जाती है। कई बार शीशा ज्यादा मजबूत होता था, आपकी खोपड़ी में दरार आती है, वो फिर बोलने पे पता चलता है। क्या नाम है आपका, ऐसे बोले जाएगा, राहुल नहीं बोले आव आव। और कोइयों को सर बहुत मजबूत होता है, सर केरल साइड के जो नारियल वाले होते हैं ना उनको सर इतना मजबूत होता है, जैसे रुको शीशे से दुम शीशा तोड़ के बाहर लाओ मैं आ गया। फिर बोनेट पे यमराज बैठे होते हैं, यम है हम किस बात का गम, आओ राजा आओ राजा आओ राजा कुंदी मत कर सीधा ऊपर आओ राजा, अभी मरे हो ताजा ताजा आओ पिलाए नरक खमा जा। तो ये जरूरी सीट बेल्ट जरूर लगाना, अब तो पीछे वाले को भी लागू हो गया ना, क्योंकि वो साइरस मिस्त्री साहब उसकी उनकी डेथ हो गई थी। एक्चुअली देखो एक छोटा सा मैकेनिज्म यही है कि 100 की स्पीड से अपन चल रहे हैं तो जब भी एकदम झटके से रुक के किसी पेड़ के टकराएंगे तो अपनी ऐसा डैमेज होगा जैसे 200 की स्पीड पे हुआ, ठीक है, तो डबल डैमेज हो जाएगा आपका। और सर्वर ऐसी चीज है, एक बार भी हेलमेट नहीं हुआ मान लो और किसी के सर में लग गई तो वो पूरा डिसबैलेंस ही हो जाएगा, पूरी बॉडी अच्छी दिखेगी लेकिन शुरू में कितने अच्छे अच्छे लड़के होते हैं, चलते हैं जैसे कोई मॉडल चल रहा है अक्षय कुमार जॉन इब्राहिम सलमान खान साहब, कोई ऐसे बढ़िया बढ़िया लोग चलते रहते हैं, बाद में एक्सीडेंट के बाद वो बच्चे कितने शानदार चलते हैं, ऐसे चलते हैं जैसे शकुनी मामा चल रहे हैं। अब मैं चल के दिखाऊंगा आपको।